नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज की श्रृंखला हम नई स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स पे, और ये बहुत ज़्यादा डिमांड के कारण मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। ये है स्क्रम मास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, और आज का हमारा रहेगा पार्ट वन। और इस पर्टिकुलर श्रृंखला में हम दोस्तों बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। पहले तो हम बेसिक क्वेश्चंस लेंगे और फिर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे स्क्रम मास्टर रोल के लिए, तो बने रहिए इस पर्टिकुलर श्रृंखला में। बट ये एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो एक रोल है स्क्रम मास्टर रोल है या अजाइल है ओवरऑल, तो इसमें ये कोई स्पेसिफिक आंसर्स नहीं होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि 1+1=2 करके आप स्पेसिफिक आंसर दे पाएँ। इसमें आप अपनी सूझबूझ के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो भी आपने सीखा है, आप क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या आपने फॉलो किया है, क्या क्या चीज़ें आपको बेस्ट लगती हैं, उस टाइप से ही आप अपने आंसर्स रख सकते हैं सामने वाले की तरफ। इसमें आप उनसे आंसर देने के टाइम, जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो आंसर देते टाइम आप उनसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये किस संदर्भ में पूछ रहे हैं आप, जिससे उनको ये भी समझ में आएगा कि आपको हाँ इस सब्जेक्ट का नॉलेज है और आपको पता है कि अजाइल और स्क्रम मास्टर रोल एक्चुअली क्या होता है। और इसमें एक और चीज़ बोलूँगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप अगर मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं कवर कर पा रहा हूँ या मैंने उसमें अपने वीडियोज़ में नहीं डाले हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए जो भी क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं मिल पाए हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं आपको आंसर कर पाऊँ मेरी सूझबूझ के हिसाब से, तो मैं कोशिश करूँगा वो सारे क्वेश्चंस लूँ और आपको आंसर दे पाऊँ। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा क्योंकि ये शायद एक पार्ट में कंप्लीट ना हो पाए, दो पार्ट में कंप्लीट ना हो पाए, मैं लेकिन रेगुलरली ये डालता रहूँगा जिससे आपके सारे आंसर्स क्लियर हो सकें। और तो चलते हैं हमारे स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन के साथ। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे हमको इनको आंसर करना चाहिए। तो किसी भी स्क्रम मास्टर रोल के लिए जब आप जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन कौन सी सेरेमनीज होती हैं स्क्रम में। तो आपने जनरली अगर स्क्रम मास्टर के रोल पे काम किया हुआ है तो आपको सारा पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो इसमें फॉलो होता है वो चार सेरेमनीज होती हैं, इस मेन जो सेरेमनीज चार होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप अपनी कुछ सेरेमनीज जो आप करते होंगे जो आपके स्क्रम अलायंस बुक में या किसी बुक में नहीं लिखा है तो भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और आप अपने उस पर्टिकुलर सेरेमनी को जस्टिफाई भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इससे क्या इम्प्रूवमेंट होगा अपने इंटरव्यूअर को। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है स्प्रिंट प्लानिंग, दूसरा होता है डेली स्टैंडअप, तीसरा होता है स्प्रिंट रिव्यू, चौथा होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। और जो दोस्तों मैं जो फॉलो करता हूँ वो एक और है जो कि जिसको बोलते हैं स्प्रिंट ग्रूमिंग या स्प्रिंट रिफाइनमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्प्रिंट प्लानिंग, तो आप फिर एक काम करिएगा कि धीरे धीरे अगर वो पूछते हैं कि स्प्रिंट प्लानिंग क्या होता है स्टैंड अप, तो उनको समझाइए कि स्प्रिंट प्लानिंग में आप क्या करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपने मेरे जीरा के वीडियोज़ देखे होंगे तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है कि जब आप कोई भी स्प्रिंट स्टार्ट होने वाला हो, जैसे आप स्प्रिंट वन में हैं, अब आप स्प्रिंट टू में जाने वाले हैं, तो जब आप स्प्रिंट प्लानिंग जब बोलते हैं तो स्प्रिंट प्लानिंग में जनरली क्या करते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बैकलॉग से जब आप स्प्रिंट टू स्टार्ट करते हैं तब आप स्प्रिंट टू में कुछ मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट बैकलॉग है 15-20-25 स्टोरीज का, यूज़र स्टोरीज का, तो उसमें से मान लीजिए आपने 5 यूज़र स्टोरी स्प्रिंट टू में डाल दी, तो वो जो 5 यूज़र स्टोरी है उसके बारे में आप प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में आप ये डिसाइड करते हैं कि इसके स्टोरी पॉइंट्स क्या होंगे। आप स्प्रिंट प्लानिंग में ये भी डिसाइड करते हैं, ये भी चेक करते हैं अपने पूरी टीम मेंबर्स से, पीओ से, कि कौन कौन इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में अवेलेबल है, कितने दिन अवेलेबल है, कोई किसी दिन छुट्टी पर है तो कितने दिन की छुट्टी पर है, जिससे आप अपने वेलोसिटी डिफाइन कर सकें। हो सकता है अगर मान लीजिए आपकी दो टीम मेंबर्स हैं वो 2-3 दिन छुट्टी पे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप इंस्टेड ऑफ 5 यूज़र स्टोरी आप 4 ही यूज़र स्टोरी ले पाएँ। तो इससे क्या होगा कि इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पूरी टीम को पता रहेगा, प्रोडक्ट ओनर को पता रहेगा कि भाई आपकी टीम
कितने दिन अवेलेबल है, वो कितनी यूज़र स्टोरी ले रही है, उस यूज़र स्टोरी का एस्टिमेशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो करते हैं हम स्प्रिंट प्लानिंग में करते हैं दोस्तों। और इसी तरह से डेली स्टैंड अप तो एज सच आपको सबको पता है। और स्प्रिंट प्लानिंग का एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो आप बता सकते हैं इंटरव्यूअर को, कि अगर आपका ये भी बोल सकते हैं कि हमारा क्योंकि 2 वीक का स्प्रिंट रहता है या आपके यहाँ जो भी फॉलो होता हो, तो हम उस हिसाब से मतलब जो भी पहला दिन है स्प्रिंट का उस दिन स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं और कोशिश करते हैं 2 से 3 घंटे में स्प्रिंट प्लानिंग कंप्लीट कर लें। तो मोस्टली जो मिनिमम टाइम हम स्प्रिंट प्लानिंग के लिए रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जब हम स्प्रिंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो 2 घंटे से लेके मैक्सिमम 4 घंटे तक का आप उसको टाइम फ्रेम दे सकते हैं स्प्रिंट, सिर्फ स्प्रिंट प्लानिंग को। तो ये भी आप उसको इंटरव्यूअर को अपनी तरफ से बता सकते हैं। डेली स्टैंड अप क्या होता है? डेली स्टैंड अप होता है कि आप डेली ये प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं कि टीम कहाँ पर स्टैंड करती है, उसको कोई इम्पेडिमेंट्स तो नहीं है उसको, और वो क्या प्रोग्रेस कर चुकी है और कौन कौन सी स्टोरी पे काम कितना हो चुका है, इसके लिए होता है डेली स्टैंड अप। और ये इसका टाइम बाउंड होता है 15 मिनट का। इसमें आप एज ए स्क्रम मास्टर आप सिर्फ पता करते हैं कि भाई आपने कल क्या किया, आप आज क्या करोगे, आपको किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं आ रही है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और ये डेली स्टैंड अप दोस्तों ये भी बता सकते हो आप कि हाँ आप जो फॉलो करते हैं वो आप अगर स्पेसिफिकली समझा सकते हैं कि डेली स्टैंड अप में आप क्या करते हैं। डेली स्टैंड अप में आप उनको ये बोल सकते हैं मैं जो करता हूँ फॉलो कि 15 मिनट तो मैं सिर्फ जितने भी लोग हैं टीम में उनसे स्टैंड अप लेता हूँ, उनका स्टेटस चेक करता हूँ, और 16वें मिनट में ये भी हो सकता है कि किसी टीम मेम्बर को हो सकता है प्रोडक्ट ओनर से कुछ क्वेश्चन हो, तो वो हम जाके लेते हैं 16वें मिनट के बाद कि भाई आपको जो भी क्वेश्चंस और थोड़ा ज़्यादा लंबा डिस्कशन करना है वो पूरी टीम को के काम को ना रोक के आप सिर्फ वो 2-3 लोग ही डिस्कस कर लें, जिससे हम प्रोडक्ट अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी कम ना करें। तो वो जो 2-3 लोग इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चाहते हैं वो 16वें मिनट के बाद आप कर सकते हो। तो आपका जो मिनिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए डेली स्टैंड अप का वो मिनिमम 15 मिनट्स तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम 30 मिनट्स तक इसको रखना चाहिए, जिससे आप इसमें स्टैंड अप के साथ साथ स्टेटस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कवर कर सकें। स्प्रिंट रिव्यू क्या होता है दोस्तों? स्प्रिंट रिव्यू एक्चुअली स्प्रिंट में जो हमने काम किया है, मान लीजिए 2 वीक का मेरा स्प्रिंट है, अगर उसमें मैंने काम किया है तो मैं लास्ट डे जो है स्प्रिंट में मैं अपने जो प्रोडक्ट ओनर्स हैं उनको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो स्टोरीज मैंने ली थी 5 स्टोरीज मान लीजिए मैंने ली थी, तो 5 स्टोरी का मैं डेमो देता हूँ और उनसे अपना फीडबैक उस पर्टिकुलर स्टोरीज़ का मैं चाहता हूँ कि फीडबैक मिल जाए और वो स्टोरीज़ को हम डन कर सकें। तो उस पर्टिकुलर स्टोरी को कम्प्लीटली शो करके अगर कोई फीडबैक उनकी तरफ से आ रहा है कि नहीं ये चेंज करो वो चेंज करो, अगर रिक्वायरमेंट पहले देते टाइम नहीं दिया था उनने, तो वो फिर आप उस टाइप डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक की है तो आप उसको फिक्स करके डाल भी सकते हैं विद इन सम टाइम उनसे टाइम लेके। तो ये होता है स्प्रिंट रिव्यू, जिसमें आप डेमो देते हैं, लाइव डेमो देते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप फीचर फाइल रन करके दिखाना चाहते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग करके दिखाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ये स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव एक ऐसी सेरेमनी है जहाँ पे आप हर टाइप की प्रॉब्लम, आप मेनली ये होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में स्क्रम मास्टर चाहता है कि उसकी टीम के लोग जो हैं, डेवलपमेंट टीम है जिसमें डेवलपर्स भी हैं, QA भी हैं, उसको हम डेवलपमेंट टीम बोलते हैं, और प्रोडक्ट ओनर है, तो वो सारे लोग मिलके इतना अच्छा ट्रांसपेरेंट डिस्कशन करें, इवन छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हैं वो ओपनली रखें, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सामने रखते हैं तो उसको सॉल्व करा जा सकता है। तो अगर वो ओपन, जैसे आपका कोई इसको इस टाइप से फॉलो करना चाहिए कि जैसे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, अगर आपको कुछ लगता है कि यार वो उसने कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपको चुभ गई है, तो लेकिन अगर आप उस बात को बोलेंगे नहीं उस दोस्त के सामने, तो वो बात उसको पता नहीं चलेगी कि उसने अनजाने में कुछ बोल दिया था जो कि आपको पसंद नहीं आया था। तो इस टाइप के ये अगर आप जब उसको ओपनली बता देंगे कि भाई तूने ऐसा गलत बोला था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो वो समझेगा बात को और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा और रिपीट नहीं करेगा, और वो अपने आप में एक एक्शन आइटम लेगा कि मुझे ये नहीं करना है। तो यही सेम चीज़ हमको रेट्रोस्पेक्टिव में होती है, जो कि जहाँ पे पूरी टीम आपस में बात करती है, इनपुट्स देती है कि ये स्प्रिंट में मुझे क्या अच्छा लगा, क्या मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें
और पीओ को डायरेक्टली कुछ फीडबैक देना हो तो बताना। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अजाइल का, और इसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, मैं तो बोलूँगा। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए जहाँ पे हम चीज़ों को सुधार सकें और जिससे हम इम्प्रूव नेक्स्ट स्प्रिंट्स जो हमारे आने वाले हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। और मेरे हिसाब से दोस्तों इसके बीच में एक और चीज़ होती है, स्प्रिंट रिफाइनमेंट या स्प्रिंट ग्रूमिंग जिसको मैं बोलता हूँ, जिसमें मैं ये करता हूँ कि जैसे अभी प्लानिंग में तो आप क्या करते हैं जनरली, आप प्रोडक्ट बैकलॉग से आप कौन सी स्टोरी लेके स्प्रिंट में डालने वाले हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन ग्रूमिंग में हम लोग जो कोशिश करते हैं, मैं जो मैं फॉलो करता हूँ अपने आप, मैं वो करता हूँ कि ग्रूमिंग में उस पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी जो आप लेने वाले हैं उसको पूरी तरह से उसके बारे में डिस्कशन हो, रिक्वायरमेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट ओनर दिखाए समझाए कि मुझे इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे कैसा चाहिए, कहाँ पे कौन सी फील्ड चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये कोई थर्ड पार्टी में ये वैल्यू जाएगी कि नहीं जाएगी, वो सारा डिस्कशन। प्लस उसके बेसिस पे अगर आप स्टोरी पॉइंट्स उसी दिन दे दें ग्रूमिंग के टाइम, तो मेरे को लगता है ये बहुत हेल्प करता है प्लानिंग का टाइम कम करने के लिए, स्प्रिंट प्लानिंग का टाइम कम करने के लिए। तो उस पर्टिकुलर टाइम को आप ग्रूमिंग, उसको आप ग्रूमिंग बोलते हैं। और ये हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर आपका 2 वीक का स्प्रिंट है तो आधा आधा घंटा या एक एक घंटा आप दोनों वीक निकालें, जिससे आपको नेक्स्ट स्प्रिंट, स्प्रिंट वन में आप ये करें कि स्प्रिंट वन के जो फर्स्ट वीक है उसमें वेडनेसडे को, और स्प्रिंट टू के फर्स्ट सेकेंड वीक के वेडनेसडे को आप एक एक घंटा स्प्रिंट ग्रूमिंग करें कुछ स्टोरीज का। और ये ज़रूरी नहीं कि आप जो लेने वाले हैं वही करें, आप आगे भी अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ रेडी स्टोरीज हैं जो कि आप प्लानिंग में ले सकते हो नेक्स्ट स्प्रिंट में, फिर भी आप उसको करते जाएं जिससे आपको अगले कुछ स्प्रिंट्स में जो भी आने वाला है उसमें आप प्लानिंग में डायरेक्टली वो यूज़र स्टोरीज ले सकें जिनको आपने ऑलरेडी स्टोरी पॉइंट्स दे रखे हैं। तो उसके उसको बोलते हैं स्प्रिंट ग्रूमिंग और स्प्रिंग रिफाइनमेंट, मतलब आप पर्टिकुलर स्टोरी को रिफाइन कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं जिससे आप उसको प्लानिंग में ले सकें। तो ये सारी सेरेमनीज होती हैं। मुझे पता है ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बहुत बड़ा आंसर है जिसका, जिसको आपको समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसको आप बहुत आराम से और अपनी पूरा टाइम लेके इसको समझाइए। अगर आपका इंटरव्यूअर चाहता है तो वो बीच में आपको रोक सकता है और फिर अगले क्वेश्चन पे जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, ये सारी सेरेमनीज बहुत अच्छे से समझिए, बार बार सुनिए। अगर आपको कहीं भी कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप को पता है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं जिससे हम और इसको डिस्कस कर सकें। लेकिन अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने कहीं ना कहीं इसको बहुत समझाया भी होगा। तो ये सबसे मेन क्वेश्चन है, एज ए स्क्रम मास्टर आप क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी सेरेमनी फॉलो करते हैं, तो ये उसका आंसर है। थैंक यू दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप एज ए स्क्रम मास्टर यूज़ करते हैं? तो आपको होपफुली मेरे स्टोरी पॉइंट्स कैसे देते हैं या एस्टिमेशन टेक्निक का वीडियो है वो आपने फॉलो किया होगा, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं दोस्तों, जाके देखिएगा। लेकिन हमारा जो हम जो टेक्निक फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं प्लानिंग पोकर। और इसमें ये होता है दोस्तों कि मुझे, जैसे आप जानते हैं कि मुझे अगर अजाइल में एस्टिमेशन देना है तो मुझे हम लोग स्टोरी पॉइंट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची नंबर, और वो नंबर फिबोनाची नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं पहले दो नंबर का एडिशन जिसको मिला के मिलता है आपको थर्ड नंबर। तो जैसे इसमें नंबर होते हैं 1, 2, तो थर्ड होता है 3, तो 1 + 2 = 3, उसके बाद होता है 5, 2 + 3 = 5, फिर उसके बाद होता है 8, 3 + 5 = 8। तो इस टाइप से आप 1, 2, 3, 5, 8, 13 इस टाइप से आपका फिबोनाची नंबर सीरीज होता है, और इसी बेसिस पे आप स्टोरी पॉइंट सिर्फ इन्हीं नंबर पे दे सकते हैं अगर आपको कोई लगता है। और ये स्टोरी पॉइंट्स कौन से बेसिस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, डिपेंडेंसी, रिस्क, ये सब के हिसाब से आप एक नंबर देते हैं। और प्लानिंग पोकर में ये होता है दोस्तों कि आपके, जैसे मान लीजिए आपके सारे डेवलपमेंट टीम बैठी है, जब आप कोई स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं तो स्टोरी डिस्कस करते टाइम भले ही डेवलपर हो, QA हो, वो एक पेपर लेते हैं और उस पर अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर सारे सिनेरियो सोच के वो एक नंबर लिखते हैं। वो 8 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है किसी स्टोरी का। तो जब ये सारे लोग से बोला जाता है कि लेट्स प्ले प्लानिंग पोकर, तो वो क्या करते हैं, वो ये नंबर, आजकल तो बहुत सारे टूल हो गए हैं, अदरवाइज वो क्या पेपर आपको शो करते हैं, ओके मैंने 5 दिया है, मैंने 8 दिया है, मैंने 3 दिया है, मैंने 2 दिया है, या मैंने, बहुत सारे लोगों का हो सकता है 5 ही दिया।
तो जहाँ पे सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं वहाँ स्क्रम मास्टर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पीओ को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये कि जहाँ पर बहुत वास्ट डिफरेंस दिखता है किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में, किसी ने 13 दिया और किसी ने 5 दिया है, तो वो दो बंदों के बीच में फिर डिस्कशन होता है कि भाई वो 13 जो दे रहा है वो अपना बताता है कि मैंने 13 क्यों दिया है, और जिसने 5 दिया है वो बताता है मैंने 5 क्यों दिया है। तो वो फिर डिस्कशन होके फिर हम एक पॉइंट पे आते हैं, ओके डिसाइड करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर स्टोरी को ये स्टोरी पॉइंट्स देंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि स्टोरी पॉइंट्स कोई नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स वाला, एफर्ट्स वाला कोई सीन नहीं है। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन रिस्क, डिपेंडेंसी एंड आपका कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये तीनों के बेसिस पे आपका स्टोरी पॉइंट आप डिसाइड करते हो। और प्लानिंग पोकर सबसे बेस्ट तरीका अभी तक लगा है, किसी भी मुझे जो लगा है वो एस्टिमेशन के लिए बेस्ट लगा है। तो ये आप बता सकते हैं दोस्तों। ये थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कौन सी ऐसी सबसे चैलेंजिंग सेरेमनी लगी है एज ए स्क्रम मास्टर आज तक आपके एक्सपीरियंस पे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे जो सबसे चैलेंजिंग लगा है वो लगता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, जहाँ पे बहुत ही आप मानेंगे नहीं लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है कि आपको टीम को से इनपुट लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जब टीम बैठी है, प्रोडक्ट ओनर बैठा है, तो कई बार ये थॉट प्रोसेस होता है टीम का कि यार हम कुछ भी बोलेंगे तो चीज़ें सुनी नहीं जाएंगी, मतलब हम कुछ बोलेंगे तो उसको उल्टे वे में लिया जाएगा। बट अजाइल का पूरा जो एम है वो ट्रांसपेरेंसी है, इम्प्रूवमेंट है, एजिलिटी है, जिसका ये मतलब होता है कि हमको हर स्प्रिंट में अपने आप को, पूरी टीम को साथ में लेके चलना है, इम्प्रूव करना है। इसमें ये नहीं है कि प्रोडक्ट जो स्क्रम मास्टर है वो बहुत पार्शियल हो गया, प्रोडक्ट ओनर जो बोल रहा है वो हम टीम से करवाता जा रहा है, उसमें क्या होता है कि टीम कहीं ना कहीं टीम इतनी खुश नहीं होगी। और अगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्क्रम मास्टर पूरी तरह से सिर्फ टीम के तरफ है और प्रोडक्ट ओनर को हर बात पे मना कर देता है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पूरा एक टीम बॉन्डिंग होना चाहिए, जो हम बोलते हैं ना टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ये होता है वो किस लिए होती है, जिससे हमारी टीम जो है वो अच्छे एनवायरमेंट में काम कर सके, खुश रहे और प्रोडक्टिव हो सके। तो इसमें मेरे को ये लगता है कि रेट्रोस्पेक्टिव बहुत ही चैलेंजिंग सेरेमनी है, जिसको हमको बहुत अच्छे से करना चाहिए, काफ़ी ओपन माइंडेड तरीके से करना चाहिए, और जो भी है सब कुछ ओपनली रखना चाहिए। बट किसी के लिए हो सकता है कि स्प्रिंट प्लानिंग हो सकता है चैलेंजिंग हो, या डेली स्टैंड अप ही चैलेंजिंग हो, डेमो देना चैलेंजिंग हो, स्प्रिंट रिव्यू जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आंसर को कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे, और इसमें आपको कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या कोई इंटरव्यूअर ऐसा आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई ये तुमने बोला है ये गलत है। और अगर करेगा तो वो अपना जस्टिफिकेशन रखेगा, फिर आप उससे डिस्कस करके फिर भी अपना जस्टिफिकेशन रख सकते हैं। और बट ये रखें कि आप जिस पॉइंट पे सोच रहे हैं वो उसको आप प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई कर पाएँ, ऐसा ना हो कि आप उसकी बात से फिर सहमत हो जाएँ और आपका आंसर फिर गलत हो जाए। तो आपको पहले से ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी सेरेमनी चैलेंजिंग हो सकती है, वो आपको डिसाइड करके रखना है। लेकिन ये सब क्वेश्चंस में जो आपके ले रहा हूँ वो बहुत सिनेरियो बेस्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको कहीं ऐसे नॉर्मली बुक में या उसमें नहीं मिलेंगे। ये आपको जब आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपके खुद के दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस आते जाएंगे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं कि हो सकता है मैं ये लास्ट क्वेश्चन लूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इसलिए इसको हम कम रखने के लिए एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई एज ए स्क्रम मास्टर आपका एक पूरा दिन कैसा होता है, दिनचर्या क्या होती है आपकी? तो इसमें आपको दोस्तों फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि ये हर स्क्रम मास्टर का डिफरेंट हो सकता है, और आप कैसे इसको पूरे दिन को अपना यूटिलाइज करते हैं, इसको प्रोडक्टिव, चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाने में आपके बार बार चीज़ों को मतलब एकदम ध्यान से अपनी जो चीज़ कर रहे हैं उसको मेमोराइज करने के लिए, और अपने स्प्रिंट गोल को अचीव करने के लिए कैसे आपका एक टिपिकल डे होता है एज स्क्रम मास्टर। तो आपको हर चीज़ उसको, हर एक्टिविटी जो आप करते हैं सुबह आप ऑफिस पहुंचने के बाद से लेके शाम तक, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, इस टाइप से समझानी है कि आपको आप कैसे प्रोडक्टिव हो रहे हैं एज स्क्रम मास्टर। तो
मैं जिस टाइप से इसको आंसर करूंगा वो ये रहेगा कि मैं जब ऑफिस पहुंचता हूं तो एक बार मैं जीरा गो थ्रू करता हूं बिफोर माय स्टैंड अप, और जीरा गो थ्रू करके देखता हूं कि कौन कौन सी मेरे यूज़र स्टोरीज हैं, और उसके बाद मैं स्टैंड अप में जाता हूं। और आपको ये भी बताना चाहिए कि आप कैसे मतलब अपनी टीम को, अगर आप जैसे किसी दिन आप एब्सेंट होने का सोच रहे हैं तो आपका क्या रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप एक मिडिल वेयर हो बिटवीन प्रोडक्ट ओनर और टीम, तो ऐसा ना हो कि आप बॉटलनेक बन जाओ, ठीक है। तो मोस्टली आप क्या करते हो कि आप पहले जाते हो स्टैंड अप करते हो, स्टैंड अप में आप सारी चीज़ें देखते हो कि कहीं आप का कोई टीम मेंबर कहीं स्टक तो नहीं हो रहा है, उसके कोई इम्पेडिमेंट्स तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं तो उसको अगर किसी चीज़ से, किसी टीम से कुछ चाहिए, किसी बंदे से कुछ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप कोशिश करते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रोवाइड कर पाऊँ आफ्टर आर स्टैंड अप डिस्कशन जो हुआ है, जो भी इम्पेडिमेंट्स है उससे लेके उससे मैं पर्सनली डिस्कशन करता हूँ कि मैं आपको किस टाइप से हेल्प कर सकता हूँ। आप ये क्वेश्चन स्टैंड अप में भी पूछ सकते हैं और उससे पर्सनली आपको आफ्टर स्टैंड अप भी आपसे डिस्कस कर सकते हो ऑफलाइन। उसके बाद जनरली जो ये इम्पेडिमेंट्स का डिस्कशन के बाद ये भी होता है कि आपको लगता है कि आपके पीओ से भी डिस्कशन करते हो कि आपका प्रोडक्ट बैकलॉग कैसा चल रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं जाके हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग ही ख़त्म हो जाए और फिर हम रिक्वायरमेंट क्या लेंगे, क्या यूज़र स्टोरी लेने वाले हैं, वो सारे डिस्कशन। ये आपके पीओ को ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ अजाइल से रिलेटेड, क्योंकि आपको अजाइल ज़्यादा पता है, हो सकता है कि उसको कुछ रिक्वायरमेंट है, वो आप उसको किसी टाइप से हेल्प कर सकते हो हाफ एन आवर 15 मिनट्स उसको डेली बेसिस पे कि भाई अजाइल क्या होता है, बर्न डाउन चार्ट क्या होते हैं, बर्न अप चार्ट्स क्या होते हैं, ये बता सकते हो। तो आपको पीओ से इंटरेक्शन होता है 15-20 मिनट्स हाफ एन आवर। इसके अलावा आपका ये भी रहता है कि आप आपका जो जीरा है वो आप गो थ्रू करते हो यूज़र स्टोरी वाइज, और आप अपनी टीम को भी एक स्क्रम मास्टर जैसे रोल में आप कोशिश करो कि हर टीम मेंबर एक वीक के लिए स्क्रम मास्टर का रोल प्ले कर सके। जैसे आपको कभी छुट्टी पे भी जाना है तो आपको दिक्कत ना हो, तो वो आपको उनको टीम को भी आप गाइड करते हो कि कैसे अजाइल को फॉलो करें प्रॉपरली। और एज ए फैसिलिटेटर आपको कभी भी टीम को ऑर्डर नहीं करना है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है एज ए स्क्रम मास्टर। आपका फुल डे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी को रूडली बिहेव ना करें, आप प्रॉपरली फैसिलिटेट करें मीटिंग्स। और आपका सारे सेरेमनीज का आपको ध्यान रखना है, आपका कैलेंडर आपको अप टू डेट रखना है कि कौन कौन सी सेरेमनीज कब है। और एज स्क्रम मास्टर मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरी सेरेमनीज हैं वो फिक्स डे और फिक्स टाइम के लिए हो, उसको मैं टाइम को बार बार चेंज या एडजस्ट ना करूं किसी भी के भी कहने पे। और मैं कोशिश ये करता हूं कि पूरी टीम को और पीओ के दिमाग में बार बार ये डाला जाए कि जो भी टाइम फ्रेम फिक्स किया है उस पे ही हम डिस्कशन करें, काम करें, क्योंकि चेंज एकदम से किसी को पसंद नहीं आता। आप मान लीजिए स्प्रिंट प्लानिंग मंडे को कर रहे हैं 12 से 2, फिर एकदम आपने नेक्स्ट वीक क्या कर दिया, स्प्रिंट प्लानिंग कर दिया मंडे, नहीं सब बिजी हूँ ट्यूसडे को प्रोडक्ट ओनर, तो ऐसा मत करिए क्योंकि आप इसमें आपको भी तकलीफ होगी और सामने वाली टीम को भी, अपनी टीम को भी तकलीफ होगी या पीओ को भी तकलीफ हो सकती है किसी किसी दिन। इसके अलावा आप अपना, आपका जो मैनेजर है उससे भी आप डिस्कशन करते हैं कि भाई मुझे, और आपका अजाइल कोच भी हो सकता है बीइंग स्क्रम मास्टर, तो आप अजाइल कोच से चीज़ें सीखें कि भाई मुझे अजाइल के बारे में और बताइए, क्या मुझे फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स ज़्यादा अच्छे से फॉलो करना चाहिए, कौन सी सेरेमनी को कितना टाइम देना चाहिए, ये सारा चीज़। और उसके अलावा थर्ड पार्टी से अगर इंटरेक्ट करना है, कोई थर्ड पार्टी जो टीम है, कोई आपके अलावा कोई टीम है, अगर कोई ये भी आपको टीम को बता के रखना चाहिए कि अगर कोई आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है और आपको कुछ काम देने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको सीधे काम ना ले लें। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी टीम का कोई बंदा किसी कारण से इस परेशानी में ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है क्योंकि उसको दूसरे का ना गुड फेथ काम करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें अगर आप क्लियर रखेंगे तो बहुत, जैसे आप बोलते हैं ना कि हिसाब किताब एकदम क्लियर होना चाहिए, तो स्क्रम में भी सारी चीज़ें एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि भाई आपका काम हमारा काम ख़त्म होने के बाद ही कर पाएंगे, या मेरा बंदा जो अगर आपका काम करेगा तो फिर मेरा काम रुक जाएगा। तो ये आपको क्लियर, आपको उसको रोकना पड़ेगा थर्ड पार्टी को कि भाई आप मेरे बंदे को डिस्टर्ब ना करें, स्पेशली वेन आपका जो कोई टीम मेंबर है वो आपसे स्पेशली बताए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि आप उसको जाके वहाँ पर थर्ड पार्टी को स्टॉप करें और आप अपने बंदे को अपने काम पे ध्यान देने दें। इसके अलावा आप जीरा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, उसमें आप बर्न डाउन चार्ट, बर्न अप चार्ट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता स्पेसिफिकली पता होना चाहिए एज ए स्क्रम मास्टर कि भाई कोई टास्क है, कोई स्टोरी है, आपके जो टास्क बने हैं स्टोरी के अंदर वो सारे टास्क कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, टीम मेंबर्स ने बनाए कि नहीं बनाए, जिससे आप ट्रैक कर सको इजीली। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो टिपिकली एक दिन स्क्रम मास्टर के उसमें काम में रहती हैं और उसको ध्यान देना चाहिए। तो ये सब जो रहता है एक्चुअली बहुत बड़ा काम है। और आप मैं तो ये भी किया हुआ है कि मैंने रिस्क डॉक्यूमेंट बना रखा है एक एक्सेल शीट में, जहाँ पे अगर मुझे लगता है कि मेरी टीम मेंबर को प्रोडक्ट ओनर से रिक्वायरमेंट में अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशन बचा है तो मैं वो यूज़र स्टोरी को हाईलाइट करवाता हूँ उससे कि ये रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है या येलो फ्लैग है, जिससे मुझे और पूरी टीम को और पीओ को भी पता रहे कि यहाँ पर हमारा काम अटका हुआ है अगर ये रेड फ्लैग है। तो ये सब चीज़ें अगर आप रखेंगे तो आप मतलब मैं तो यही फॉलो करता हूँ, लेकिन ये आपको ऐसे आपको अपने इंटरव्यूअर को समझाना पड़ेगा आपकी दिन भर की एक्टिविटी आप क्या करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ये हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन बढ़ाएंगे, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंट बैकलॉग एंड प्रोडक्ट बैकलॉग? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रम मास्टर रोल के लिए, और वैसे भी अगर आप अजाइल पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग में क्या अंतर है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर स्प्रिंट में काम करना चालू करते हैं तो आप जनरली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बैकलॉग, जो कि प्रोडक्ट बैकलॉग कहाँ है, जो पीओ के पास जो यूज़र स्टोरीज हैं जिस पे काम चालू नहीं हुआ है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट बैकलॉग। अगर आप मेरा जीरा का वीडियो देखेंगे, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट बैकलॉग कहाँ होता है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग होता है वो हो सकता है कि आपके 6 महीने साल भर में जो भी रिलीज करना चाहते हैं आप यूज़र स्टोरीज तो उसके वो बोलते हैं हम पूरा प्रोडक्ट बैकलॉग। ये प्रोडक्ट बैकलॉग हो सकता है अगर पीओ के स्टेक होल्डर जिनसे वो कम्युनिकेट करते हैं, एक्चुअली स्टेक होल्डर जो होते हैं वही प्रोडक्ट ओनर को काम देते हैं, तो वो जो रहता है वो एक यूज़र स्टोरीज की लिस्ट बनाता जाता है जैसे जैसे उसके पास काम आता है, तो और उसको जीरा के अंदर प्रोडक्ट हमारे जो डैशबोर्ड होगा, मान लीजिए हमारी टीम का नाम है अमित टेक्नोलॉजी, तो अमित टेक्नोलॉजीज का एक डैशबोर्ड होगा, उस डैशबोर्ड में वो प्रोडक्ट बैकलॉग डालता जाएगा। लेकिन ये बैकलॉग आइटम्स हमने अभी तक काम में नहीं, इस पर हमने काम करना चालू नहीं किया। तो जो प्रोडक्ट बैकलॉग, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग सिंपली। फिर स्प्रिंट बैकलॉग क्या है दोस्तों? तो स्प्रिंट बैकलॉग, जैसे मान लीजिए मैंने 10 स्टोरी ले ली किसी पर्टिकुलर स्प्रिंट में काम करने के लिए, तो वो जो होती है स्प्रिंट के अंदर, मान लीजिए स्प्रिंट 1 हमने बनाया हमें टेक्नोलॉजीज डैशबोर्ड के अंदर, स्प्रिंट 1 में हम 10 यूज़र स्टोरी ले रहे हैं, तो वो 10 यूज़र स्टोरीज को बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। ये प्रोडक्ट बैकलॉग हो सकता है इसमें 50 स्टोरी हो, लेकिन हमने जो स्प्रिंट में काम लिया है उसमें जो स्टोरीज बोलती हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। ये डिफरेंस बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत काम आएगा आपको किसी को भी समझाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको काम आएंगे, जो कि सिनेरियो बेस्ड हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस से कि भाई ऐसी कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज़ हैं जो अकर हुई आपकी टीम में, उस पर आपने कैसे ओवरकम किया है, या एज ए स्क्रम मास्टर आप कौन सी यूज़र स्टोरी को गुड यूज़र स्टोरी बोलोगे, ऐसे स्क्रम मास्टर आप ये कैसे समझाएंगे कि अजाइल में इटरेटिव और इंक्रीमेंटल में क्या अंतर है, आप अपनी टीम का प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करेंगे। तो ये सब रहेंगे आगे, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ। आज के लिए इतना ही, और कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज़ डालते जाइए कमेंट बॉक्स पे, कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन को ले पाऊँ, और ऐसे ही मेरे जो मेरा बैकलॉग है, जो इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स का बैकलॉग है, उसको भरता जाऊँ और आपके हर क्वेश्चन को आंसर करता जाऊँ। फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रम में अजाइल में कोई भी आंसर स्पेसिफिक नहीं है, इट्स अप टू यू योर नॉलेज एक्सपीरियंस कि आप उसको सामने वाले को कैसे आंसर देते हैं, उसको बस ये समझ में आना चाहिए कि आपको स्क्रम आता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कीप
वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।